यह लूका प्लांट है और इसे अधिकतर घरों में सजावट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है यह बारामासिक प्लांट है जो झाड़ियों के रूप में पाया जाता है इसकी पत्तियाँ सख्त तलवार के आकार की होती हैं और साथ ही बहुत ही नुकीली होती हैं इस प्लांट में अधिकतर कम पानी में भी हम इसको लगाएंगे या कम पानी डालेंगे तो यह अच्छे से चल जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरह के प्लांट अधिकतर आपको घरों में या बगीचों की सजावट के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है इस यह मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है तीन से चार साल पुराना है मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था और अब इसकी पत्तियाँ कुछ पीली सी पड़ रही हैं या मतलब ब्राउन कलर की हो रही हैं तो इसको मैं अब कट कर दूंगी और इसकी ग्रोथ के लिए इस पर विशेष ध्यान देने की भी ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये फरवरी मार्च है मार्च का महीना है तो हम इसमें सिर्फ़ एक साल में एक बार भी अगर कोई फर्टिलाइजर देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे या कोई खाद देंगे तो ये पूरे साल अच्छे से ग्रो कर जाता है तो वैसे तो खाद देने का सीजन फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर होता है तो अभी मार्च का टाइम है तो मैं बस इसकी कटिंग कर दूंगी और एक अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइजर दे दूंगी जिससे कि ये आगे अच्छे से ग्रोथ करे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया मेरे यहाँ ये डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है इसको जब डायरेक्ट सनलाइट धूप बहुत पसंद है इसको जैसे सीधा धूप में रखेंगे तो ये सेमी सीडेड एरिया में भी रख सकते हैं लेकिन आप इसे इंडोर रखेंगे तो ये इतनी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा ब्राउन होने लगती हैं अभी सर्दियों के सीजन के कारण इसकी पत्तियाँ ऐसी हो गई है वरना ये बहुत अच्छे से कलर मतलब इतना अच्छा कलर देता है अंदर लाइट ग्रीन सा रहता है और बाहर की पत्तियाँ जो होती हैं उसकी डार्क ग्रीन हो जाती हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा सजावटी प्लांट है मैंने इसको पॉट में लगाया है लेकिन जब इसे ज़मीन में लगाती हैं तो इसकी हाइट बढ़ जाती है और साथ ही ये और भी कई जैसे नए नए प्लांट्स को भी बनाता रहता है तो अभी तो इसमें नए प्लांट्स नहीं आए मैंने एक प्लांट से ही दूसरे प्लांट में कटिंग करके तैयार किया है प्लांट की बहुत ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं देश और विदेश अमेरिका या अलग अलग जगह पर इस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं अधिकतर इस तरह के प्लांट रेतीले स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और यह प्लांट पानी की कमी के कारण भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है ये ऐसी ही जगहों पर अधिकतर पाया जाता है इस प्लांट की फूल पत्तियाँ और जड़ों का अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व है पर मैंने अभी तक इस प्लांट की फूल नहीं देखी लेकिन इस प्लांट की कई प्रजातियां होती हैं उसके फूल होते हैं और उसका प्रयोग जो भी हो उपयोग होता है वो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में किया जाता है बट मेरे यहाँ अभी तक एक भी फूल नहीं आया तो मैं नहीं पता कि इसके फूल किस तरह के होते हैं लेकिन इसकी जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें फूल जरूर आते हैं और साथ ही इसकी जो पत्तियां हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से यूज़ में ली जाती हैं और मेरे यहाँ तो यह सिर्फ़ एक सो पीस प्लांट है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में क्योंकि इसकी जो नुकीली पत्तियाँ होती हैं झाड़ियाँ एक तरह से कह लीजिए ये एक नीचे ऊपर की तरफ जैसे चारों तरफ फैल जाती है बहुत ही अच्छा लगता है और इस प्लांट को हम अलग अलग तरह से सजा भी सकते हैं तो ये बहुत ही देखने में सुंदर भी लगता है तो इस प्लांट की बस मुझे यही सब केयर करनी थी कि मतलब इसकी जो पत्तियाँ ब्राउन हो चुकी हैं उसको कटिंग करना है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है अब ये ऊपर की तरफ़ बढ़ेगा तो उस तरह से मैं धीरे धीरे इसकी लीव्स नीचे से कट करती जाऊंगी और ये आ, अच्छे से सरवाइव करेगा पूरा डायरेक्ट सनलाइट में रहने के कारण ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा